नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सुन्हा आपके साथ है। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा अलॉट होने पर अलग विवाद शुरू हो गया है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों के द्वारा भजन कीर्तन करवाया जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और इसके अलावा तमाम बयानबाजी भी जारी है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को विधानसभा स्पीकर के आदेश पर वहाँ मुस्लिम विधायकों और मुस्लिम समुदाय के विधायकों के लिए एक अलग से कमरा अलॉट किया गया। वहां नमाज अदा करने की परमिशन दी गई, जिसके बाद से वहां अलग सियासत शुरू हो गया, जिसके बाद लगातार बीजेपी विधायकों के द्वारा एवं वहां के जो पूर्व सीएम हैं उनके द्वारा बातें कही गई। कहा गया कि हमें अच्छा नहीं लग रहा हनुमान चालीसा पढ़ने में, लेकिन विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना है, विधानसभा को अगर हमें संभालना है तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पर तमाम बयान और भी सामने आया। विधानसभा स्पीकर ने, झारखंड विधानसभा स्पीकर ने कहा कि भगवान हनुमान उन्हें सद्बुद्धि दें, हनुमान चालीसा का पाठ कब पढ़ा जाता है यह भी हमें बताएं। और इस तरीके से झारखंड में अलग सियासत शुरू हो गई जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई। उसके बाद बिहार में भी अलग उसी को लेकर सियासत शुरू हो गया। बीजेपी विधायक के द्वारा जो यह कहा गया कि अब विधानसभा में भी मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए समय दिया जाए, छुट्टी दी जाए, उसके साथ साथ जगह भी दी जाए। और इस तरीके से अब धीरे धीरे यह मामला झारखंड से कर बिहार आ चुका है। पार्टी के चीफ हुई बिरंची नारायण ने कहा है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ ना हो, लेकिन जब स्पीकर सरकार के इशारे पर यहाँ नमाज अदा करवा सकता है तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और यहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ये झारखंड के चीफ, पार्टी के चीफ जो है उन्होंने ये कहा। इसके बाद इस मसले पर जो स्पीकर रविंद्रनाथ हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष को हनुमान जी सद्बुद्धि दे, बल दे, विद्या दे। भाजपा विधायक बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ कब और किस रूप से किया जाता है। दरअसल TW348 नंबर रूम अलॉट किया गया था विधानसभा में और इस रूम में नमाज अदा करने की परमिशंस जारी किए गए थे कि आपको परमिशन दिया जाता है, आप नमाज अदा कर सकते हैं। और उसके बाद से ही ये मामला तुल पकड़ा और अब धीरे धीरे 2 सितंबर से, आज 7 सितंबर आ गया है, मामला बढ़ते ही जा रहा है। मामला बिहार की ओर रुक कर चुका है। बाल जो यहाँ के बीजेपी विधायक है उनका भी कहना है कि यहाँ पर हनुमान जी के लिए मंगलवार को अवकाश दिया जाए, उनका पाठ करवाया जाए, जगह अलॉट किया जाए और तमाम बातें करते वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी MLA हरिभूषण ठाकुर के द्वारा ये बातें कही गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब और मामला जो है धर्म की राजनीति हम देख सकते हैं हमारे आंखों के सामने है। बिहार, झारखंड, UP, इन सभी जगहों पर लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और ऐसे पेचीदा पॉइंट्स पर बात की जाती है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सभी बातों पर ध्यान देने के अलावा बाकी सभी बातों पर राजनीति होती है, जैसे कि धर्म, जैसे कि जात, लेकिन कभी भी शिक्षा पर बात नहीं होती, कभी भी वैसे मुद्दों पर बात नहीं होती जिस मुद्दों पर बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।